कि कांग्रेस के नेतृत्व में उदयपुर की घटना हो गई और एक व्यक्ति ने अपनी जान को गंवा दिया। इस पर कोई जवाब नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं, इस पर कोई विरोध नहीं, केवल नागानगर में हम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस के मित्रों ने प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि राम जी के नाम से वोट मांग रहे, अरे राम हमारे आदर्श है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श को लेकर हम अपनी दैनिक दिनचर्या प्रारंभ करते हैं और राम जी के मंदिर को हम कोई मुद्दा नहीं बनाते, वो हमारा आस्था का केंद्र है, पूरे इस देश के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी और पूरी करेगी। चलो ठीक है, राम जी के नाम से बात नहीं करते। मैं तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात ईमानदारी से बता दो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी जब नागदाना चाह रहे थे तो आप लोग क्या कहना चाह रहे थे उनके बारे में? आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ढोंगी कह रहे थे, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी को टोटकेबाज कह रहे थे, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी के लिए अलग अलग बातें सोशल मीडिया पर चला रहे थे। अरे पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अपने प्रवचनों से, अपनी कथा वाचन से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को शिव भक्ति सिखा रहे थे, शिव भक्ति का माध्यम से कैसा अच्छा जीवन जी सके वो सिखा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के मित्र पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ढोंगी 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 कह रहे थे और कांग्रेस के मित्र बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी नाक पे आ जाए। कांग्रेस के मित्रों ने जब देखा, विधायक जी ने कोशिश पूरी कर ली कि कैसे भी करके हम लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी को नागदा आने से रोक लें, पर उन्होंने देखा पूरे नागदा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आने का उत्साह है, माता बहनों में उत्साहपूर्ण स्वागत की तैयारी है। तो तत्काल हमारे क्षेत्र के विधायक जी डाबरी के पास पहुंच गए और डाबरी में रोड पर ही उनका स्वागत करके एक फोटो फेसबुक पर डाल दिया। ये बताने का प्रयास किया कि जो विरोध कर रहे थे मेरे आदमी नहीं थे, मैंने तो पंडित जी का स्वागत कर दिया है। आप लोग भ्रम की राजनीति फैलाने का काम कर रहे हो। हम 365 दिन भारत माता की जय बोलते हैं, केवल एक दिन नहीं कि चुनाव और हमने भारत माता की जय का नारा लगा दिया। हमने 365 दिन भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकों के बीच, जनता के बीच जाकर अपने काम का, अपनी योजनाओं को बताने का काम किया। ऐसा नहीं है केवल चुनाव अगर हमने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। ये लोग बोलते हैं कि इस नागदा नगर को पानी पिलाएंगे, इस नागदा नगर को शुद्ध पेयजल पिलाएंगे। ये वो कांग्रेस के लोग हैं जो भूल गए कि पूरे नागदा में 6-6 फीट के खड्डे थे, होती हुआ करती थी, जिसके नीचे नल पॉइंट हुआ करता था, क्योंकि पानी का प्रेशर नहीं आता था तो सबसे पहले नीचे तपेली भरते, उस तपेली का पानी उठाकर ऊपर भरा जाता था और हमारी माताएं वो बाल्टी भरी हुई अंदर ले जाकर रखती थी। इस प्रकार से नागदा में पानी पीने का काम मिला है। ये बात करते हैं शुद्ध पेयजल की, क्या इनसे पूछना चाहता हूँ क्या वापस नागदा को होदी से पानी भरना सिखाएंगे? क्या वापस नागदा के बच्चों को होदी में उतर कर पानी भर के अपना काम करना सिखाएंगे? ये बात करते हैं विकास की, आदरणीय नगर पालिका के अध्यक्ष है, आप किस प्रकार से भाषण दिया जयसवाल जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनको सब मंचों पर ले जाकर भाषणबाजी करा रहे हैं, साथ में ये भी बोल रहे हैं कि नागदा में विकास नहीं हुआ। सबसे पहले नागदा में अगर नागदा की जनता ने मौका किसी को दिया तो कांग्रेस के मित्रों को दिया जो अध्यक्ष के रूप में बैठे नगर में काम कर रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी और आप ही चिंता करो आखिर ऐसा क्या कारण था कि 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के सरकारों को आपकी नागदा नगर की जनता ने, अपनी नागदा नगर की जनता ने चुना है और नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बिठाया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता केवल इसलिए वोट नहीं मांग रहा कि हम क्या करेंगे, हम तो इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हमने अब तक आपकी सेवा करी है, हम इसलिए वोट मांग रहे हैं हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, हम इसलिए वोट मांग रहे हैं अपना लेखा जोखा लेकर आपके बीच आए और सचमुच का शहर नागदा बनाने के लिए जो मत आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, नगर पालिका जो परिषद भाजपा की बनाई थी उसके आधार पर फिर आपके बीच आए कि आपके सपनों के शहर को संजो के रखना है, आपके सपनों के शहर को बचा के रखना है, आपके सपनों के शहर को फिर नई गति देना है, विकास की ऊंचाई छुआ नहीं है। विधायक जी और विधायक जी के कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे विधायक जी को एक बार, अब की बार दिलीप सिंह गुर्जर, अब की बार क्षेत्र के विधायक जी, आप तो तय करो कि जनता को क्यों भ्रम कर रहे हो। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की, स्टेट में सरकार शिवराज सिंह चौहान की, ये दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर
कांग्रेस के विधायक जी को इनके परिषद को चुन के भी भेज दिया जाए तो इनसे ये पूछो कि तुम कैसे इस शहर का विकास करोगे, तुम कैसे नगर की जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाओगे, किस प्रकार तुम नगर पालिका परिषद को चलाने का काम करोगे। इनके कई सारे लोग बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे आग्रह इतना करना चाहता हूं कि जो भी बात हो स्पष्ट करो, जो भी बात हो सीधी कहो, जनता के बीच आप बात रखो तो अपने विजन की बात रखो, बहलाओ मत, फुसलाओ मत, दाना मत डालो, उनको झूठे वादे मत करो। इन्होंने कहा था कुछ समय पहले कि जो शंभू लोन चलता है वो शंभू लोन हम विधायक बने हमारी सरकार आई तो माफ करेंगे। 15 महीने इनकी सरकार आई थी, 15 महीने बाद इनकी सरकार चली भी गई, लेकिन वो शंभू लोन जो है आज तक माफ नहीं हुआ और हमारी बहनें परेशान है क्योंकि सबसे ज्यादा वोट शंभू लोन के माध्यम से हमारी बहनों ने इनको दिया था। कांग्रेस के मित्रों की बातों में मित्रों नहीं आना है, हम सबको प्रयास करना है कि 36 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते, 36 वार्ड में कमल का फूल हमारा उम्मीदवार जीते, 13 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ हम अपना मतदान करें, कमल का बटन दबाकर हमारी बहन सुमन सानी को विजय बनाए, 36 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय बनाकर नगर पालिका पहुंचाइए, भाजपा की सरकार नगर में बनाइए,